हेलो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ठीक है और ई ऑपरेटर दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द बैकवर्ड ऑपरेटर एंड ई ऑपरेटर एंड द रिलेशन बिटवीन बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड ई ऑपरेटर ठीक है तो पहला रिलेशन हमने वहाँ पर लिखा था बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू फॉरवर्ड ऑपरेटर इन द शिफ्ट यूनिवर्स ऑफ द शिफ्ट ऑपरेटर दैट इज ई ई का मीनिंग मैंने बताया था किसी भी फंक्शन वाई एक्स में अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो उसकी वैल्यू को शिफ्ट कर देता है विद ए इक्वल इंटरवल देन द वैल्यू ऑपरेटेड ऑन वाई एक्स इज वाई एक्स प्लस एच सिमिलरली अगर मैं ई यूनिवर्स वाई एक्स निकालता हूँ तो ये इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है इक्वल इंटरवल से तो ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस एच तो इसका मीनिंग है वाई एक्स प्लस एच इसका मीनिंग है वाई एक्स माइनस एच ठीक है अब ये ऑपरेटर के बीच में हमने रिलेशन अगर डिफाइन करना है तो हमने बैकवर्ड ऑपरेटर यूज़ किया है सिंस बैकवर्ड ऑपरेटर देखो बैकवर्ड ऑपरेटर का मतलब क्या था फॉरवर्ड का मतलब क्या है अगर मुझे किसी फंक्शन की कुछ वैल्यूज़ दी हैं वाई एक्स तो इससे पहले वैल्यू क्या होगी वाई एक्स माइनस एच और इसके बाद वैल्यू क्या होगी वाई एक्स प्लस एच इक्वल इंटरवल एच के साथ ये फंक्शन की वैल्यू है तो यहाँ पर अगर मैं फॉरवर्ड ऑपरेशन निकालता हूँ द फॉरवर्ड ऑपरेशन निकलेगा वाई x माइनस एच के लिए अगर मैं इन दोनों के बीच में निकालता हूँ तो देन दिस इज़ द फॉरवर्ड ऑपरेशन बिटवीन y x माइनस एच एंड इट कैन बी रिटर्न एज y x माइनस वाई एक्स माइनस एच और यही अगर मैं बैकवर्ड के लिए निकालता हूँ डिफरेंस तो बैकवर्ड के लिए डिफरेंस निकलेगा y x के लिए फॉरवर्ड का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर डिफरेंस तो इसके लिए जो पहला ऑपरेंड है और बैकवर्ड का मतलब जो सेकेंड ऑपरेंड है ठीक है तो डिफरेंस तो यही रहेगा वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस एच लेकिन नोटेशन अगर हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड का चेंज कर रहे हैं तो यहां पर ऑपरेटर में जो रिजल्ट आएगा वो किस वेरिएबल के लिए किस फंक्शन की वैल्यू के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा ठीक है तो यहां पर अगर मैं बैकवर्ड वाई एक्स निकालता हूँ तो बैकवर्ड वाई एक्स का मतलब है आपका वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस एच देन इट इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस एच और इसी को हम लिख सकते हैं किसके टर्म में फॉरवर्ड के टर्म में तो फॉरवर्ड के लिए इसको अगर मैं लिखूंगा तो फॉरवर्ड के लिए क्या लिखूंगा वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस एच कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज फॉरवर्ड ऑपरेटर वाई एक्स माइनस एच अब ये बैकवर्ड तो था वाई एक्स के लिए तो फॉरवर्ड किसके लिए हो जाएगा वाई एक्स माइनस एच के लिए ठीक है और सो बैकवर्ड वाई एक्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड नाउ वाई एक्स माइनस एच कैन बी रिटर्न एज ई यूनिवर्स वाई एक्स तो इसको हम लिख सकते हैं ई यूनिवर्स वाई एक्स किस को वाई एक्स माइनस एच को सो बैकवर्ड वाई एक्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड ईनिवर्स ऑफ वाई एक्स ठीक है देन बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू फॉरवर्ड ऑपरेटर इन टू द ईनिवर्स ऑपरेटर तो दिस इज द रिलेशन तो ये क्या होता है इनके बीच में एक रिलेशन होता है इसी तरह से दूसरी प्रॉब्लम अगर हम डिस्कस करते हैं दूसरा हमने लिया था बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू वन माइनस ई इनिवर्स ऑपरेटर तो यहां पर भी हम कहते हैं कि हमने बैकवर्ड वाई एक्स के लिए अगर निकाला था तो हमने लिखा था वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस एच ठीक है देन द बैकवर्ड वाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस एच इज ईनिवर्स वाई एक्स

यह हमने ऑपरेटर ई ऑपरेटर की डेफिनेशन में पढ़ा था दोनों साइड बैकवर्ड ऑपरेटर अप्लाई कर दो बैकवर्ड ई वाई एक्स इज इक्वल टू बैकवर्ड वाई एक्स प्लस एच ठीक है और बैकवर्ड वाई एक्स प्लस एच इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स यहाँ पर अगर बैकवर्ड वाई एक्स प्लस एच के लिए मैं लगाता हूँ तो वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स उससे पहले वाले टर्म को उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन योग बैकवर्ड ई वाई एक्स एंड इन फॉरवर्ड ऑपरेशन और इसी को अगर मैं फॉरवर्ड में लिखूंगा तो किसके लिखूंगा वाई एक्स के लिए तो दिस इज़ फॉरवर्ड फॉर वाई एक्स तो बैकवर्ड ई वाई एक्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड ऑफ वाई एक्स तो बैकवर्ड ई इज़ इक्वल टू फॉरवर्ड ऑपरेटर तो दिस इज द थर्ड रिलेशन बिटवीन दीज थ्री ऑपरेटर्स तो इस तरह से हम इन ऑपरेटर के बीच में क्या कर सकते हैं रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं बस हमने क्या करना है बैकवर्ड और फॉरवर्ड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है बैकवर्ड ऑपरेशन फॉरवर्ड डिफरेंस में डिफरेंस तो सेम निकलता है फॉरवर्ड डिफरेंस निकलेगा ऊपर वाले ऑपरेंड के लिए ऊपर वाले फंक्शन के लिए और बैकवर्ड डिफरेंस निकलेगा नीचे वाले फंक्शन के लिए अब एक दूसरी प्रॉब्लम इसकी सॉल्व करते हैं जो कुछ क्वेश्चन पेपर में पहले पूछी गई है वट इज द लोवेस्ट डिग्री पॉसिबल फॉर ए पॉलिनोमियल यूएक्स तो हमने बताना है कि किसी पॉलिनोमियल यूएक्स के लिए लोवेस्ट पॉसिबल डिग्री क्या होगी पॉलिनोम की डिग्री का मतलब होता है द हाएस्ट है पावर ऑफ द वेरिएबल ठीक है तो ऐसा पॉलिनोमियल विज टेक द फॉलोइंग वैल्यूज जो इन वैल्यूज को लेता है फॉर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट तो जब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू वन है एक्स की वैल्यू वन है तो यू एक्स यानी यू वन की वैल्यू जीरो है जब x की वैल्यू टू है तो थ्री है जब x की वैल्यू थ्री है तो एट है फोर है तो फिफ्टीन है फाइव है तो ट्वेंटी फोर है सिक्स है तो थर्टी फाइव है फाइन द ऑल्सो फाइन द वैल्यू ऑफ यू एक्स तो हमने यू एक्स की वैल्यू यानी पॉलिनोमियल भी बनाना है तो हमने एक तो ये बताना है कि इस पॉलिन वो पॉलिनोमियल जो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के लिए डिफरेंट वैल्यू लेता है उसकी हाइस्ट सॉरी उसकी लोवेस्ट डिग्री क्या होगी पॉसिबल लोएस्ट पॉसिबल डिग्री क्या हो सकती है कम से कम पॉसिबल डिग्री क्या होगी और वो पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होगा तो एक बात है कि जो फाइनाइट डिफरेंस टेबल हम बनाते हैं तो उससे हम पता कर सकते हैं कि, कि किसी भी फंक्शन के पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल के फंक्शन की लोवेस्ट पॉसिबल डिग्री क्या होती है तो लोवेस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस ऑर्डर ऑफ डिफरेंस हमने पढ़ा था फर्स्ट डिफरेंस सेकेंड डिफरेंस थर्ड डिफरेंस डेल डेल स्क्वायर डेल क्यूब तो वो डिफरेंस जहाँ पर हमारा वो डिफरेंस का ऑर्डर जहाँ पर हमारा डिफरेंस कॉन्स्टेंट आना शुरू हो जाता है यानी जहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाए कांस्टेंट आ जाए ठीक है तो वही क्या होती है उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है या अगर कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा है तो जो लास्ट डिफरेंस होगा फाइनल डिफरेंस होगा सिंगल डिफरेंस बचता है फाइनल में टेबल हमने बनाई थी तो वहाँ पर जो डिग्री है उस ऑर्डर या उस डिग्री को हम क्या कहते हैं पोलोमियल की डिग्री कहते हैं ठीक है तो या तो कॉन्स्टेंट आ जाए सारे डिफरेंसेस तो वो किस डिफरेंस ऑर्डर में आया है यानी सेकेंड डिफरेंस में आया तो डिग्री ऑर्डर टू हो जाएगा डिग्री टू हो जाएगी थर्ड डिफरेंस में आया है तो डिग्री थ्री तो हो जाएगी या फिर जो लास्ट कॉलम होगा आपका जहाँ पर सिंगल डिफरेंस हमारा बचता है उसी को हम क्या कहेंगे उसकी पॉसिबल डिग्री कहेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं डिफरेंस टेबल बना लेते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द पॉलिनोमियल। तो फॉर द डिफरेंस टेबल फॉर द फंक्शन तो इस फंक्शन के लिए अगर डिफरेंस टेबल बनाते हैं तो आर्गुमेंट एक्स है तो यहां हम ले लेंगे एक्स देन टेबल हमने बनाई थी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन यू एक्स हमको यू एक्स दिया है और उसके बाद हम क्या निकालेंगे उसके डिफ्रेंसेज निकाल लेंगे तो हमें आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दिए हैं x अब आर्ग्यूमेंट कहाँ पर दिए हैं देखो यू एक्स में x ही है आपका वन टू थ्री फोर तो इक्वल इंटरवल पे आर्ग्यूमेंट है वन टू थ्री कहाँ तक दिए हैं सिक्स तक फोर फाइव एंड सिक्स इसके लिए यू एक्स की वैल्यू दी है हमें यू वन इज इक्वल टू जीरो यू टू इज इक्वल टू थ्री देन यू थ्री इज इक्वल टू एट यू फोर इज इक्वल टू फिफ्टीन यू फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर एंड यू सिक्स इज इक्वल टू थर्टी फाइव अब इसके बाद हम डिफरेंस निकालते हैं तो फर्स्ट डिफरेंस इज डिनोटेड बाई डेल देन डेल यू एक्स डेल यू एक्स इज द डिफरेंस फ्रॉम इच एलिमेंट टू इट्स प्रीवियस एलिमेंट तो थ्री माइनस जीरो इज इक्वल टू थ्री फिर इसका डिफरेंस इससे एट माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव दैन फिफ्टीन माइनस एट इज इक्वल टू सेवन

इलेवन माइनस नाइन इज इक्वल टू टू तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा डिफरेंस कॉमन आ गया है जहाँ पर कॉन्स्टेंट डिफरेंस आ जाता है वही जो वहाँ पर जो डिफरेंस का ऑर्डर होता है वही पॉलिनोमियल की डिग्री को रिप्रेजेंट करता है तो ये सेकंड डिफरेंस में आया है दैट इज द पॉलिनोमियल लोवेस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज टू तो जो लोवेस्ट डिग्री होगी वो हो कितनी होगी टू होगी तो सिंस डेल स्क्वायर यू एक्स इज कॉन्स्टेंट स यूएक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू तो यू एक्स तो पॉलोनोमियल होगा किसका सेकेंड ऑर्डर का यानी डिग्री टू का और सेकेंड डिग्री का पॉलिनामियल यानी क्वाइडेटिक पॉलिनोमियल हो गया तो हम मान लेते हैं लेट यू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ठीक है तो ये हमने पॉलिनोमियल मान ले लिया अब इस पॉलिनोमियल के लिए आर कॉन्स्टेंट तो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमको यू एक्स की वैल्यू दी है तो इन वैल्यू को पुट करके इक्वेशन बना के हम एबीसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और एबीसी की वैल्यू यहां पुट करके हम पॉलोनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं सो पुटिंग एक्स इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन इक्वेशन वन अगर इक्वेशन वन में हम एक्स की वैल्यू वन रखते हैं तो ये हो जाएगा यू वन इज इक्वल टू वन रखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ठीक है एंड सॉरी ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन रखी तो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी एंड द वैल्यू ऑफ यू वन इज गिवन यू वन इज इक्वल टू जीरो सो इट इज इक्वल टू जीरो दिस इज इक्वेशन टू सिमिलरली यू टू इज़ इक्वल टू तो यहाँ पर इसकी जगह टू रख दो एक्स की जगह तो ये जगह टू का स्क्वायर फोर ए प्लस टू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू यू टू एंड द वैल्यू ऑफ़ यू टू इज इक्वल टू थ्री देन इट इज़ इक्वल टू थ्री दिस इज इक्वेशन थ्री सिमिलरली यू थ्री एक्स की वैल्यू थ्री रख दो तो थ्री का स्क्वायर इज नाइन प्लस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू यू थ्री यू थ्री इज इक्वल टू एट तो एक्स इक्वल टू थ्री के लिए यू की वैल्यू एट है दिस इज़ इक्वल इक्वेशन फोर सिमिलरली यू फोर इज़ इक्वल टू फोर का स्क्वायर सिक्सटीन ए प्लस फोर बी प्लस सी इज़ इक्वल टू यू फोर की वैल्यू हमें दिए फिफ्टीन सो इट इज़ इक्वल टू फिफ्टीन एंड दिस इज इक्वेशन फाइव सिमिलरली यू फाइव निकाल सकते हैं यू फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ए प्लस फाइव बी प्लस सी इज़ इक्वल टू यू फाइव की वैल्यू हमें दिए ट्वेंटी फोर दिस इज इक्वेशन सिक्स हमको चार इक्वेशन की जरूरत जनरली कोई चार इक्वेशन बना के हम सॉल्व कर सकते हैं ठीक है एंड यू या तीन इक्वेशन बना के हम सॉल्व कर सकते हैं एंड यू सिक्स इज इक्वल टू सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स ए प्लस सिक्स बी प्लस सी इज़ इक्वल टू थर्टी फाइव दिस इज इक्वेशन सेवन तो इतनी सारी इक्वेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे तीन अननोन वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशन से हमारा काम बन जाएगा ठीक है तो इस शुरुआत की तीन इक्वेशन से हम सॉल्व करके क्या कर सकते हैं ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो अब ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं देखो तीन वेरिएबल की है इसमें से सी रिप्लेस एलिमिनेट कर दो दो वेरिएबल की इक्वेशन बच जाएगी इन दोनों में से सी एलिमिनेट कर दो दो वेरिएबल की फिर उन दो वेरिएबल की इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू ए बी की वैल्यू मिल जाएगी उसको एक, एक किसी एक इक्वेशन में रख के हमको सी की वैल्यू मिल जाएगी तो पहले हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन टू एंड थ्री नो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू एंड थ्री इक्वेशन टू थी आपकी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ठीक है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फोर ए प्लस टू बी प्लस सी इक्वल टू थ्री फोर ए प्लस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू थ्री इनको सब करेंगे माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा माइनस थ्री ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस थ्री सो थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री दिस इज अगेन अनदर इक्वेशन इक्वेशन सेवन हो गई थी एट ठीक है इक्वेशन एट नाउ फिर दो और तीन को सॉल्व करेंगे तीन और चार को सॉल्व करेंगे तो फोर ए टू बी थ्री सी एंड नाइन ए थ्री बी सी इक्वल टू एट तो एक इक्वेशन थी हमारी सब्ट्रैक्ट थ्री एंड फोर तो फोर को पहले लिख लेते हैं फोर था नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू एट नाइन ए थ्री बी नाइन ए थ्री बी प्लस सी इज़ इक्वल टू एट और दूसरी इक्वेशन थी आपकी फोर ए प्लस टू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू थ्री देन इट इज़ माइनस 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 सी से सी कैंसिल हो गया फाइव ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव दिस इज इक्वेशन नाइन अब इन दोनों को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन एट एंड नाइन तो एट है फाइव ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री सो एट इज सब्ट्रैक्ट करोगे बी से भी कैंसिल टू ए इज इक्वल टू टू सो ए इज इक्वल टू वन तो ए की वैल्यू आ गई आपकी वन नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन एट पुट ए इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन एट तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी 3A B 3. ये हो गया थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री इक्वेशन थ्री ए इक्वल टू वन रखा तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो ठीक है ये वह थ्री हो जाएगा थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो नवपुट ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन टू ठीक है इक्वेशन टू हमारी थी ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू जीरो तो वन प्लस ज़ीरो प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाईज सी इज़ इक्वल टू माइनस वन तो सी की वैल्यू आ गई माइनस वन तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन वन जो पॉलोमियल हमने बनाया था वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल यू एक्स और यू एक्स हमारा सेकेंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल था दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सो ए की वैल्यू वन रख दी वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स माइनस सी इज इक्वल टू वन दो यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ठीक है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं उसकी लोवेस्ट डिग्री फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस फाइनल डिफरेंस टेबल ठीक है तो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है वो डिपेंड करता है कि किस डिफरेंस ऑर्डर पे जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यूज कॉन्स्टेंट होती हैं और वैल्यू कॉन्सटेंट नहीं हो रही सपोज यहाँ पर वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं होती तो हम आगे का एक और डिफरेंस निकालते हैं वहाँ पर भी नहीं होती एक और डिफरेंस तो हर एक कॉलम में जैसे हम सक्सीड कर रहे हैं एक एक डिफरेंस कम होता जा रहा है तो अगर हमारा कोई भी डिफरेंस कांस्टेंट किसी भी कॉलम में नहीं आ रहा है तो फाइनली जो सिंगल डिफरेंस बचेगा वो किस ऑर्डर का डिफरेंस है वही पॉलियल की डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना और फिर उसके बाद हम आगे इंटरपोलेशन नया टॉपिक डिस्कस करेंगे ठीक है ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करिएगाइंगीरो इज इक्वल टू वन वाई वन इज इक्वल टू जीरोक्वल टू टेन और उसका आंसर मैंने नीचे लिखा है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन क्योंकि उसमें दिया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली ये थ्री डिग्री तक जाएगा ठीक है यहां पर द वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट आर जीरो वन टू एंड थ्री एंड द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आर वन ज़ीरो वन एंड टेन ठीक है